फिर अगले दिन एली कॉलेज में कर्ट को बताती है कि मेरे पापा घर का एक कमरा किराए पर देने वाले हैं, तो क्यों न तुम ही आ जाओ किराए पर रहने के लिए। और कर्ट एली के घर पहुंच जाता है और उसे वो कमरा मिल भी जाता है। और अब एक ही घर में एली और कर्ट रहने लगे थे, तो अक्सर रात में वो बड़ी ही आसानी से एक दूसरे से मिल सकते थे। इस फिल्म में एक बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट घटना सिर्फ रेडियो की खबरों के रूप में हमें बताई गई है। जब हिटलर मर जाता है और बर्लिन को रशियंस कब्जे में कर लेते हैं, तभी दूसरी तरफ से एलाइड फोर्सेस भी जर्मनी के खिलाफ लड़ रही थी और रशियंस के बाद एलाइड फोर्सेस भी बर्लिन तक पहुंच गई थी। पर क्योंकि रशियंस यहां पर पहले आए थे, इसीलिए वो चाहते थे कि जर्मनी अब रशियंस के कब्जे में रहेगा, पर एलाइड फोर्सेस ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। तब उन्हें जर्मनी के दो टुकड़े कर दिए थे, पूर्व जर्मनी मतलब ईस्ट जर्मनी रशियंस के पास रहेगा और वेस्ट जर्मनी मतलब पश्चिम जर्मनी एलाइड फोर्सेस के राष्ट्रों के पास रहेगा। यहाँ पर बर्लिन को भी दो भागों में बांट दिया गया था। तो अभी ये सभी फिल्म के कैरेक्टर्स जो है वो ईस्ट जर्मनी में है, मतलब जो कि रशियंस के अंडर जर्मनी आता है उसमें है। और फिर एक दिन डॉक्टर सी बैंड कर्ट को अपने ऑफिस में बुलाता है उसकी पेंटिंग बनाने के लिए, जहाँ पर आज भी वो पेंटिंग मौजूद थी जिसे देखकर एलिजाबेथ ने कहा था कि ये पेंटिंग आपकी बेटी ने बनाई है। वैसे ईस्ट जर्मनी में मतलब रशियंस वाली जर्मनी में भी कला को कुछ खास अहमियत नहीं दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म के पहले सीन में हमने देखा था, नाजी जर्मनी या हिटलर को भी कला की कुछ खास अहमियत नहीं है। कॉलेज में कर्ट को भित्ति चित्रक बनाने को कहा जाता है, मतलब वॉल पेंटिंग। कर्ट कहता है कि वो ये नहीं कर सकता, वो भित्ति चित्रकार नहीं है, पर उस पर दबाव बनाया जाता है। हालांकि उसे इस काम के पैसे भी दिए जाते हैं, पर इस काम के लिए कर्ट को मजबूर किया गया था। फिर एक दिन एली और कर्ट को पता चलता है कि एली प्रेग्नेंट है और अब उन्हें एली के पेरेंट्स को उन दोनों के बारे में बताना होगा। पर इधर एली के पापा को एली से पहले ही पता चल चुका था कि वो प्रेग्नेंट है और तीसरा महीना शुरू है। वो इतने एक्सपर्ट थे उनके काम में, उन्हें एली के बॉडी टेम्परेचर, एली के खाना खाने के अंदाज और चॉइसेस से, उसके टॉयलेट जाने से और उसकी बॉडी और बर्ताव में हुए सूक्ष्म बदलाव से पता चल गया था कि एली प्रेग्नेंट है। और वो कौन लड़का हो सकता है, इस बात का भी बहुत ही अच्छे से अंदाजा उन दोनों को था। सी बैंड कर्ट के बारे में पूरी जानकारी जुटाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उसके पापा सीढ़ियां साफ करने का काम करते थे और उन्होंने अपनी जान ले ली थी। और भी बहुत सारी बातें वो कर्ट के बारे में जानते थे, लेकिन कर्ट के बारे में जानने के बाद उन्हें कर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि कर्ट एली के साथ रहे। फिर जल्द ही एली और कर्ट एली के पेरेंट्स को अपने बारे में बताते हैं। सी बैंड और उनकी वाइफ एली और कर्ट के सामने बहुत ही नॉर्मल बर्ताव करते हैं, बिल्कुल भी विरोध नहीं करते हैं उन दोनों का, लेकिन उन दोनों को अलग करने की साजिश बना के रख ली थी। और घर जाते समय सी बैंड कर्ट को एक बात बताते हैं कि बचपन से एली को एक प्रॉब्लम है, हालांकि हमने उसे इस बारे में कभी भी बात नहीं की क्योंकि उसे हम बेवजह डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, पर तुम्हें बताना जरूरी समझता हूँ इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। और सी बैंड बताने लगते हैं कि एली को बचपन में उसकी फेलोपियन ट्यूब में काफी गंभीर इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से उसके अंदरूनी अंगों को बहुत क्षति पहुंच गई थी, इसीलिए अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे गर्भाशय संबंधित गंभीरता होने का अत्यधिक खतरा होगा, उसे गंभीर आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है और ये उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, इसीलिए मुझे तुम्हें बताना जरूरी है कि आप दोनों नजदीक ना आओ। तो इस समय गर्भावस्था एली के लिए जानलेवा हो सकता है, ये जानकर कर्ट को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और डेंजर भी लगता है। तो वो बताता है कि एली ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और फिर एली और कर्ट को अलग करने के इरादे से, साथ ही कर्ट जैसे आदमी का बच्चा एली पैदा ना कर सके इस इरादे से डॉक्टर सी बैंड एली का अबॉर्शन करा देते हैं। सी बैंड और उनकी वाइफ सोच रहे थे कि इस बात से एली और कर्ट अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है और एली बजाय कर्ट से दूर जाने के वो अपने पापा से इमोशनली दूर होने लगी थी। उसे बचपन के वो दिन याद आते हैं कि कैसे उसके पापा उसके सामने घंटों तक मिरर को देखते रहते थे और नाजी वर्दी को निहारते रहते थे। फिर वो रशियन ऑफिसर जिसकी मेहरबानी से सी बैंड को आजादी नसीब हुई थी, मतलब जिसकी वाइफ और बेबी को सी बैंड ने बचाया था,
उसका ट्रांसफर मॉस्को हो रहा था और अब आगे से वो सी बैंड को सुरक्षा नहीं दे पाएगा, इसीलिए सी बैंड को वो यहाँ से भाग जाने को कहता है। और एक आखिरी बार वो सी बैंड से उस नाजी ऑफिसर के बारे में पूछता है जो उस दिन मीटिंग में था, पर सी बैंड अभी भी कुछ भी नहीं बताता। और फिर सी बैंड को यहाँ से जर्मनी छोड़कर वेस्ट जर्मनी जाना पड़ता है, पर क्योंकि एली यहीं पर कर्ट के साथ रहना चाहती थी इसीलिए उन दोनों की शादी करवाई जाती है और फिर सी बैंड उनकी पत्नी के साथ यहाँ से निकल जाती है। समय गुजरता है और फिर साल आता है 1961 का। जो रशियन वाला जर्मनी था वहाँ पर रशियंस बहुत ही गलत कर रहे थे और जर्मनी को गुलाम देश की तरह ट्रीट किया जा रहा था। वहाँ कोई भी विकास, जॉब अपॉर्चुनिटीज और सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही थी। पर इसका ठीक उल्टा, जो जर्मनी का हिस्सा मित्र राष्ट्रों के अधीन था वहाँ पर अमेरिका और इंग्लैंड जैसा ही विकास हो रहा था, प्रगति हो रही थी, इसीलिए बहुत ही ज्यादा तादाद में लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी जाने लगे थे काम और अपने अच्छे फ्यूचर की तलाश में। इधर अभी भी कर्ट का भित्ति चित्र बनाने का काम जारी रहता है जिसके उसे पैसे मिलते हैं, पर इतने नहीं कि कर्ट एक कार खरीद सके। कर्ट एली के लिए एक कार खरीदना चाहता था पर पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, तो अच्छे भविष्य की तलाश में एली और कर्ट भी वेस्ट जर्मनी जाने लगते हैं। पर इस वक्त तक रशियंस को लोगों का वेस्ट जर्मनी में जाना बहुत ही ज्यादा खल रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में लोग ऐसा कर रहे थे और उनमें एली और कर्ट भी शामिल थे। अब वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी से बहुत ज्यादा अलग था और बहुत ज्यादा अच्छा था। इधर एली और कर्ट के जाने के बाद उसके कॉलेज में कर्ट की एक चिट्ठी मिलती है ये बताने के लिए कि उसने हमेशा हमेशा के लिए ईस्ट जर्मनी छोड़ दिया है और इसी वजह से कर्ट की हर पेंटिंग को दीवार से और कैनवस से मिटाया जाता है। और वेस्ट जर्मनी में कर्ट वहाँ के आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए कर्ट की उम्र 30 साल हो गई थी जो कि बहुत ही ज्यादा थी और इस कॉलेज में सिर्फ 26 साल तक ही एडमिशन मिल सकती थी। और इसी कारण से कर्ट झूठ बोलता है कि वो 26 साल का है और उसे पेंटिंग सीखने के लिए वहाँ पर एडमिशन मिल जाती है। और फिर कर्ट और एली को रहने के लिए एक बहुत ही साधारण अपार्टमेंट मिलता है। फिर कॉलेज में कर्ट की पेंटिंग का काम शुरू हो जाता है, पर वो यहाँ पर अपने अंदर के कलाकार को जगह नहीं पा रहा था। उसकी ड्राइंग में वो पहले जैसी बात नहीं थी, उसके आर्ट में जान नहीं थी। एली भी फैशन डिजाइन का काम शुरू करती है और थोड़े पैसे अर्न करने लगती है, पर उसी दौरान एली का मिसकैरेज हो जाता है और वो डॉक्टर के पास जाने पर उसे पता चलता है कि उसके पापा ने उन दोनों से झूठ बोला था और बेवजह एली का अबॉर्शन करवाया था। और अब उस चीज की वजह से एली को कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे और इस बार डॉक्टर ने बताया था कि एली कभी भी माँ नहीं बन पाएगी, उसकी प्रेगनेंसी कभी भी तीसरे महीने से आगे नहीं बढ़ पाएगी और ये बहुत ही दुखद और नाजुक समय होता है उन दोनों के लिए। फिर एक दिन कर्ट के टीचर उसका काम देखने के लिए आते हैं, पर उन्हें भी कर्ट का काम कुछ खास पसंद नहीं आता, पर वो कर्ट के प्रति हमदर्दी महसूस करते हैं। और यहाँ वो कर्ट को खुद की कहानी बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान वो लुफ्तवाफे में पायलट के साथ रेडियो ऑपरेटर थे और उनका प्लेन क्रैश कर गया था, उनका साथी तुरंत ही मारा गया था, लेकिन टीचर को वहाँ के लोकल लोगों ने बचा लिया था। ये वही लोग थे जिनके घरों पर ये बॉम्बिंग करने आए थे। उन लोगों ने टीचर को एक साल तक अपने घर पर अपने साथ रखा और उनका इलाज किया और आखिरकार टीचर आज यहाँ पर है। फिर कर्ट अपनी सभी बेकार पेंटिंग्स जलाता है और सभी नए कैनवास लाकर रखता है, पर अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या ड्रॉ करे। वो कई दिन ऐसे ही बिताता है लेकिन एक भी पेंटिंग या ड्राइंग नहीं बना पाता। फिर एक दिन एली के पापा उन दोनों से मिलने आते हैं और उनको कर्ट इस एज में भी स्टूडेंट है ये देखकर बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होता है और वो कर्ट को पार्ट टाइम में उनके पहचान वाले एक हॉस्पिटल में जॉब के लिए भेजते हैं। इससे एली का अपने डैड के लिए गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और अब बस एली चाहती थी कि उसके पापा किसी तरह से उन दोनों से दूरी बनाए रखे, पर ऐसा नहीं होगा। अगले दिन कर्ट हॉस्पिटल में जाता है जैसा कि एली के पिता ने कहा था उसको करने के लिए और उन्होंने कर्ट के लिए वहाँ पहले से बात करके रखी थी। तो जब कर्ट वहाँ पहुँचता है तो उसे वो लोग सीधे एक बाल्टी और पोछा पकड़ा देते हैं। ये कर्ट के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, पर फिर भी वो काम एक्सेप्ट कर लेता है और सीढ़ियाँ साफ करने लगता है। और फिर पेंटिंग के लिए वो कॉलेज भी आता है, पर उसे अभी भी पेंटिंग के लिए कोई भी प्रेरणा नहीं मिल रही थी और उसके सारे कैनवास खाली थे। और तभी एली के पापा वहाँ आते हैं और कर्ट को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहते हैं।
जब दोनों डिनर कर रहे थे तब प्रोफेसर सी बैंड कर्ट को कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं और पासपोर्ट ऑफिस में जमा करवाने के लिए कहते हैं और अपना डिनर खत्म करने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहीं पर एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उस पेपर में न्यूज थी कि उस हेड ऑफ द डॉक्टर को पकड़ लिया गया था, मतलब उस मीटिंग वाले हेड डॉक्टर को पकड़ लिया गया है फाइनली 15 सालों के बाद और उसे अब सजा दी जाएगी। वो न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज कर्ट उस आदमी से मांगता है और अपने साथ ले जाता है और वो सीधे पेंटिंग करने के लिए जाता है। अभी भी कर्ट का मन और दिमाग खाली है। वो उस पेपर वाली हेडलाइन को ड्रॉ करता है पर उसे वो अधूरा और बकवास लग रहा था। फिर जब वो उस न्यूज की साथ वाली फोटो देखता है तो वो उस फोटो को बनाने की कोशिश करने लगता है और वो पेपर वाली तस्वीर को बड़े ही अच्छे से बनाता है। और इस बार कर्ट अपने काम से थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगा था और अब वो खुश भी रहने लगा था। और वो अगले दिन अपने बचपन की सभी फोटोज लेकर आता है और उनमें से अपनी मासी एलिजाबेथ और 4 साल के कर्ट की एक फोटो थी, उस फोटो को वो बनाने लगता है। और तस्वीर पूरी होने के बाद वो देखता है कि ये जीवित नहीं लग रही है, तो इस पेंटिंग में और जान डालने के इरादे से वो साफ ब्रश पेंटिंग के ऊपर घिसने लगता है और पेंटिंग को एक ब्लर वाला इफेक्ट आ जाता है। और अब अचानक से इस पेंटिंग में जान आ गई थी और पहले से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। और फिर इसी तरह कट डॉक्यूमेंट्स में से सी बैंड की तस्वीर जो पासपोर्ट के लिए देनी थी उसे भी ड्रॉ करने लगता है और उसके साथ साथ वो काफी सारी बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें भी बनाता है। वो ऐसे पेंटिंग्स करता जाता है जैसे उसके बचपन का दर्द मानो एक्सप्रेस कर रहा हो और अपने मन को हल्का कर रहा हो। वो अपने बचपन का फेस, अपनी मासी का फेस और उस मीटिंग हेड डॉक्टर का फेस और साथ ही सी बैंड का फेस एक ही तस्वीर में ड्रॉ करता है, मानो उसने अपनी मासी के हत्यारे को पकड़ लिया हो। फिर कुछ दिनों बाद सी बैंड अपना पासपोर्ट लेने के लिए उसके पास आते हैं और ये सारी पेंटिंग्स को देखकर एक पल के लिए वो फ्लैशबैक में जाते हैं, मानो उसे सब कुछ याद आ गया हो और उसे कर्ट का गुनहगार होने का एहसास हुआ हो। ये सारी तस्वीरें देखकर वो कुछ बोल भी नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। और फिर दिन बीतते जाते हैं और कर्ट ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 2 की बहुत सारी तस्वीरें बनाता है। और फिर उसे एक दिन पता चलता है कि एली प्रेग्नेंट है और वो उसका 4th महीना चल रहा है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर साल आता है 1966 का। कर्ट की पेंटिंग्स के प्रदर्शन होते हैं और वो दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन कलाकारों के लिस्ट में शामिल हो जाता है। उसको दुनिया जानने लगती है और कर्ट और एली का एक बेटा भी होता है। फिर इस पेंटिंग के प्रदर्शन से घर लौटते समय कर्ट को वैसे ही कुछ बसेस खड़ी दिखाई देती है और उसे अपनी मासी की याद आती है और वो उन बसों के पास जाता है और बसों के ड्राइवर से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए आप सभी लोग एक साथ हॉर्न बजाए। और बस ड्राइवर्स भी कर्ट के लिए एक साथ ऐसा करते हैं और ऐसा करते समय कर्ट अपनी मासी को महसूस कर पाता है और उस दिन वो कैसा फील कर रही होगी ये भी वो जान पाता है। कर्ट अपनी मासी के बहुत करीब था। और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।